मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं नुब्रा वैली को। और सुबह को 9:15 हुआ है और यहाँ से डिस्टेंस है 160 किलोमीटर अप्रोक्स। और हम लोग जहाँ ठहरे थे ये सारचेन जिला है और ये आप लोगों को ओयो रूम में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा होटल है और यहाँ से नज़ारा भी बहुत अच्छा है। और ये भैया हम लोगों को बहुत ही हेल्प किए हैं। और चलिए अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और ये जो भैया है ना, ये हम लोगों का मैनेजर है, इनका नाम है धीरज सिंह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस चैनल का होस्ट और आप सब लोगों का भाई दीप फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एक्सप्लोर में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेह से नुब्रा वैली तक जा रहे हैं, जो कि बीच में बहुत ही डेंजरस डेंजरस रास्ता आने वाला है और जो सबसे ख़तरनाक पास है खरदुंगला, तो ये भी रास्ते के बीच में ही आएगा। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है लेह मेन गेट सिटी का। तो अभी हम लोग लेह सिटी से बाहर निकल के जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद जो भी कमेंट्स करना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर दोस्तों चलिए आज का जर्नी का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नज़ारा शायद कहीं भी देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो नेचर है, ये नेचर ही देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और इस बार जब हम लोग यहाँ पर गए हैं घूमने के लिए, तो मैंने जितना देखा इंडियन से फॉरेनर बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि जगह ही ऐसा है। तो ज़िंदगी में अगर कभी भी ये जगह घूमने के लिए टाइम मिले, फुर्सत मिले, तो कुछ भी चिंता मत कीजिएगा, जल्दी से अपना सामान पैक कीजिए और निकल पड़िए, क्योंकि यहाँ आएंगे तो ऐसा मज़ा, ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों को नहीं मिला होगा। तो चलिए इस जाने का मज़ा लेते हैं, बातें तो होते ही रहेंगे। चलिए दोस्तों, अभी देखो ये जो लेफ़्ट साइड में ऊपर से ले सिटी का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ का जो सिस्टम मैंने देखा है, एक बार पहाड़ पे ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर से नीचे उतर के दूसरे पहाड़ पे चढ़ो, ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ का जो नज़ारा है, आप लोग जितने देर तक अपनी आँखों से नहीं देखेंगे तब तक यकीन करना मुश्किल है। और ये देखिए पूरा ले सिटी यहाँ से कैसा दिख रहा है, कितना छोटा है। तो अभी आप लोग ही सोचिए हम लोग कितना ऊपर से अभी जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, तो चलिए इस जाने का मज़ा लेते हैं। और आगे खरदुंगला पास आने वाला है, देखते हैं आज खरदुंगला का। फ्रेंड्स, आप जब लोग नुब्रा वैली तक जाएंगे, ये ले से निकलने के बाद फर्स्ट ये चेक पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा। और ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले में आके वहाँ से बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ले से जब आप लोग नुब्रा वैली, पेंगोंग, सरचू ये सब जगह जाएंगे, तो उन सब जगह जाने के लिए पासेस का ज़रूरत होता है। तो आप लोग जब भी लेह में आके ठहरेंगे, वहाँ से ही लोकल से पास बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ही पैसा देने से बनवा दे। दोस्तों, इस रास्ते का नज़ारा देखो, इतना सुंदर नज़ारा है। आगे देखो पूरा का पूरा रास्ता खाली पड़ा हुआ है, और ऐसा मानो कि हम लोग इस रास्ते पे सिर्फ अकेले ही जा रहे हैं। और चारों तरफ सिर्फ जिधर भी नज़र घुमाएंगे उधर ही पहाड़ ही पहाड़ है, और ऊपर नीला आसमान। ऐसा नज़ारा का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगा, और ये मैं कोशिश भी नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो फील होता है ना, वो फील घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ज़रूर आइए, और आने के बाद जो फीलिंग्स है उसके बाद आप ये शेयर कर पाएंगे दूसरे किसी के साथ। और ये देखिए जैसा जैसा आगे जा रहे रास्ता भी देखिए कैसा कैसा नज़ारा दिखा रहा है हम लोगों को। दोस्तों, अभी देखो रास्ता कितना डेंजरस होता जा रहा है, और हम लोगों के लेफ्ट साइड में शायद आप लोग देख पा रहे हैं
इतना खाई है, यहाँ पर से थोड़ा भी अगर चूक होता है तो गिरने पर बचना यहाँ से नामुमकिन है। तो इस रास्ते पे जब भी आइएगा मज़ा ज़रूर लीजिए, लेकिन रास्ते पे ज़रूर ध्यान रखिए और आगे देखिए कितना सुंदर बर्फ़ दिखाई दे रहा है। तो आज जाके ऐसे ही बर्फ़ मिलने वाला है और इससे ज़्यादा मिलने वाला है, तो मुझे भी पता नहीं है अभी। चलिए जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कैसा बर्फ़ मिलता है। और ये जो रास्ता है ना, रास्ता देखिए कितना सीधा और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो फिर चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स ये देखो बाइकर्स का टोली कैसे आ रहा है। दूर से दिखने में कितना सुंदर और कितना शानदार लग रहा है। और जब ये बाइकर्स का टोली जाता है तो उसको ज़रूर थंबनेल दिखाइएगा, क्योंकि उन लोगों का भी भरोसा बढ़ता है और हम लोगों का भी भरोसा बढ़ता है। और ये देखिए अभी एक लाइन में कितना सुंदर जा रहा है। और यहाँ से शायद आप लोग रास्ता देख पा रहे कि नहीं पा रहे, देखिए ऊपर कैसा एक लाइन में रास्ता में जा रहे ये बाइक लोग। तो चलिए आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स आप जब लोग नुब्रा वैली तक जाएंगे, ये ले से निकलने के बाद फर्स्ट ये चेक पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ेगा और ये डॉक्यूमेंट आप लोगों ले में आके वहाँ से बनवाना पड़ेगा। क्योंकि ले से जब आप लोग नुब्रा वैली, पेंगोंग, सरचू ये सब जगह जाएंगे तो उन सब जगह जाने के लिए पासेस का ज़रूरत होता है। तो आप लोग जब भी ले में आके ठहरेंगे वहाँ से ही लोकल से पास बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ही पैसा देने से बनवा देता है। फ्रेंड्स ये देखो बर्फ़ गिरना शुरू हो गया और यहाँ से जो पुलिस का लोग होते हैं ना, वो लोग बार बार बता रहे जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, अगर थोड़ी देर रुक गए ना ये रास्ता आगे जाके ब्लॉक भी मिल सकता है आप लोगों को। तो आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी आएंगे स्नोफॉल जहाँ पर हो जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाइएगा, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर यही एक प्रॉब्लम है। जितना स्नोफॉल होता है उतना ही बर्फ़ से पूरा रास्ता ढक जाता है। तो आगे जाने के बाद पता चलेगा ये खारदुगला कैसा मिलता है। तो फिर चलिए आप लोग भी हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और ये नज़ारा कैसा लग रहा है आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आगे का नज़ारा देखो,
कितना डेंजरस दिख रहा है तो पता नहीं, मौसम तो पूरा ख़राब हो चुका है, तो आगे जाने के बाद कैसा रास्ता मिलेगा वो तो हम लोगों को अभी पता नहीं, फ़िलहाल जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इस रास्ते का नज़ारा देखते हैं और आप भी हमारे इस वीडियो के साथ मज़ा लीजिए। फ्रेंड्स अभी रास्ता देखो, अभी रास्ता पूरा कच्चा रास्ता आ गया है और ऊपर से स्नोफॉल भी हो रहा है, और सामने देखो कुछ बाइकर्स लोग खड़ा है। तो ये जो पूरा का पूरा नेचर है ना, इसका मैं क्या बोलूँ। आप लोग इस वीडियो में ही देखिए और वीडियो से मज़ा लीजिए, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए सामने का पूरा पहाड़ सादा हो गया है बर्फ़ से ढक के। अभी सामने का नज़ारा देखो, इतना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ सफेदी सफेद बर्फ से जैसे कि मानो चादर से ढक दिया है पूरा का पूरा पहाड़। आप खुद ही देख लीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कहाँ पर क्या थोड़ा बहुत गलती हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों रोड का काम चल रहा है। फ्रेंड्स अभी देखो बाइकर्स भी सिर्फ 14-15 के ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं, इसलिए एक नंबर गियर पर बाइक चल रहा है। देखिए दोस्तों कैसा खतरनाक खतरनाक रास्ता आ रहा है, गलती से भी ध्यान भटका तो, और मैं बताना नहीं चाहता हूं, आप लोग खुद भी समझ चुके होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, पूरा काम काज घर परिवार सब छोड़ के यहाँ पर लगता है एक अलग ही दुनिया में आ गए हम लोग। ऐसा लग रहा है यहाँ पर सिर्फ हम ही हम हैं और कुछ नहीं और कोई नहीं, और मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये
ये सुकून जो है ना वो पाया करने वाला चीज नहीं है। हो सके तो एक बार जरूर आइएगा। देखिए अभी रास्ता देखिए और आगे बर्फ देखिए, और मैं क्या बताऊं, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, और ऊपर से ओले गिर रहे हैं। धीरे धीरे और भी खराब होता जा रहा है रास्ता। जल्दी से जल्दी हम लोगों को खारदुंगला पहुंचना है, क्योंकि ऊपर से बर्फ भी गिर रहा है। तो अगर ज़्यादा बर्फ गिर गया तो रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो नजारा है ना बहुत ही बढ़िया है। देखिए रास्ता कितना खतरनाक हो रहा है। दोस्तों ये नजारा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं। दोस्तों रास्ता देखो, क्या बताओ आप लोगों को, जितना आगे जा रहा हूं उतना ही खतरनाक से खतरनाक होते जा रहा है। पर जब इस रास्ते पर बर्फ पड़ता है ना तो मैं क्या बताओ। चलिए आगे जाके देखते हैं, शायद मिल तो जाएगा जरूर आज, क्योंकि कल सुना था बर्फ गिरा है बहुत। आज भी तो रास्ते पे आते आते दो तीन बार मिला है हम लोगों को भी बर्फ। तो देखते हैं आगे जाके खारदुंगला तक क्या होता है नहीं होता है। और आप लोग हमारे इस चैनल इंडियाज ब्यूटी एक्सप्लोर के साथ बने रहिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। अभी बाइक है ना पूरा एक नंबर गियर पे चल रहा है। एक से दो नहीं लगा पा रहा हूं।
हर जुमला पहुंच जाए तो या कहना देखते यही शायद हर जुमला फ्रेंड्स सब एक साथ बोलो हरी बोल हम लोग खाटुंगला पहुंच गए हरी बोल फ्रेंड्स अभी हम लोग खरदुंगला टॉप पे खड़े हैं जो मैंने सुना है और यहाँ पर लिखा भी है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इतना ऑल्टीट्यूड पे सिर्फ इंडिया में ही एक जगह है जहाँ पर गाड़ी बाइक चलता है। खरदुंगला व्यू पॉइंट ऑल्टीट्यूड 179826 भैया हाईएस्ट मोटरेबल रोड आपका नाम पत्सल कहाँ से सोहट कितने दिन लगा यहाँ पर आने में बारवा नुब्रा होके आ गए आप अभी हम लोग जा रहे हैं नुब्रा नुब्रा होके पैंगोंग उसके बाद बैक टू ले तो अभी आप लोग नुब्रा से आ रहे हैं ना रास्ता कैसा है खराब मतलब बर्फ है या ऐसे वाला रास्ता ऐसा ही ओके बेस्ट ऑफ लक हाँ ओके ओके और क्या हाँ हाँ सॉरी हम लोग वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं अभी नुब्रा आपका नाम सर अलीशा ओके फ्रेंड्स अभी हम लोग खरदुंगला से निकल चुके हैं और ये रास्ता का व्यू देखिए पूरा का पूरा सफ़ेद बर्फ से ढका पड़ा हुआ है और रास्ते में जो ये पानी दिख रहा है ना ये बर्फ़ पिघलने से ये पानी आया है और फ्रेंड्स इस रास्ते पे जब चलेंगे तब रास्ते पे ध्यान जरूर रखिएगा थोड़ा सा ध्यान हटा तो कुछ भी हो सकता है रास्ते का कंडीशन देखिए और साइड में देखिए रोड का काम हमेशा ही यहाँ पर चलता है क्योंकि कब बर्फ़ पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा इसका कोई भरोसा नहीं है इसीलिए PRO का टीम 24 घंटे यहाँ पर काम करते हैं और ऐसे पहाड़ों पर ऐसा रास्ता मिलना मुश्किल है ऐसा रास्ते पे हम लोग जा रहे हम लोग तो बहुत ही नसीब वाले समझते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने का बहुत लोगों का बहुत बाइकर्स का मन है जाने का इच्छा है लेकिन कोई जा नहीं पाता है जो जा सकता है यहाँ पर वो खुद को नसीब वाला समझता है और ये देखिए आप ये रास्ता जो है ना ये रास्ते पे देखिए स्पीड कैसा है तो आप लोग धीरे धीरे धैर्य बना के जाइएगा क्योंकि पहाड़ों पर जल्दबाजी कभी भी मत कीजिएगा क्योंकि पहाड़ आपका धैर्य का परीक्षा भी लेता है और देखिए आगे से गाड़ी भी जा रहा है और बाइकर्स भी आ रहा है और वहाँ का नज़ारा तो क्या बोलूँ आप लोग देखते जाइए और वीडियो का आनंद लेते जाइए तो फिर चलिए चलते हैं फ्रेंड्स ऐसी जगह को आप लोग क्या कहेंगे ये कुदरत का करिश्मा ही है जो यहाँ पर ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है और हम जो इंडियन लोग हैं ना हम शायद क्या कॉन्फिडेंटली मैं ये बोल सकता हूँ तो खुशकिस्मत समझते हैं जो इंडिया में हम लोगों का जन्म हुआ है और ऐसे जगह हम लोगों के देश में ही है तो चलिए ऐसा रास्ता और कितना मिलता है और आगे रास्ता कितना खराब है पता नहीं चलिए देखते हैं आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और ये वीडियो को
रास्ते का और नजारे का मजा लीजिए। आगे देखो रास्ता कितना खराब और भी होता जा रहा है और मौसम भी कितना खराब हो गया है। अभी अभी धीरे धीरे स्नोफॉल भी होना शुरू हो गया है, शायद आप लोगों को दिख भी रहा है। और देखिए रास्ता अभी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन पूरा कच्चा रास्ता होने से इतना स्लिपरी है मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग शायद देख के आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखिए नीचे से जो ट्रक कैसे आ रहा है, तो हम लोगों को साइड में रुकना पड़ेगा, उसके उसको पास देना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। और ये देखिए रास्ता क्या बोलो, बार बार एक ही बात रोकना पड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और आगे का नजारे का मजा लीजिए। मैंने कुछ ही देर पहले बताया था बीआरओ का टीम 24 घंटे यहाँ पर काम करता है। ये देखिए आगे कुछ लोग दिखाई दे रहा है, ये लोग रास्ते को इतना सुंदर काम कर रहा है एक साथ मिलकर। और हम लोग के लिए ये लोग यहाँ पर भगवान की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर रास्ता बंद हो जाता है ना तो दोस्तों कैसा हालत होता है। यहाँ पर जो आता है सिर्फ उसको ही पता है। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर घूमने के लिए आना है तो जून के फर्स्ट वीक में ये रास्ता ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को सिर्फ ले से अपना जो परमिशन है वो परमिशन कराना पड़ेगा, और बिना परमिशन के यहाँ पर आप जा नहीं सकेंगे। वाओ दोस्तों, अभी नज़ारा देखो कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। ये बातों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और आगे देखो पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और रास्ते का हालत देखो। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये पैसा वसूल ट्रिप है। अगर कोई भी मेरा दोस्त मेरा भाई अगर लद्दाख ट्रिप के लिए आना चाहता है तो ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो मन को शांति मन को सुकून मिलता है ना, ये दुनिया के किसी भी कोने में जाओ ये नहीं मिलेगा। और ये देखो आगे का नज़ारा, और साइड में देखो बर्फ कैसे नीचे से पिघल रहा है, और ये पिघलते हुए जो पानी निकल रहा है ना, ये पानी ही रास्ते से अभी बह रहा है। तो ये रास्ते का हालत देखो, और साइड में देखो दोस्तों क्या नज़ारा है, क्या ब्यूटी है। इस रास्ते पे जब भी जाओगे दोस्तों, अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी नीचे आप लोग उतर रहे हो एक नंबर पर गियर रख के आप क्लास और एक्सेलेटर को दोनों को छोड़ दीजिएगा,
वो जो इंजन का स्पीड है ना उसके हिसाब से वो जाएगा, और जब आपको ब्रेक का ज़रूरत है तब भी आप सिर्फ लेग ब्रेक ही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर चक्का जो है ना चक्का स्किप करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये देखिए दोस्तों आगे से अभी आर्मी का जो ट्रक है ना वो आ रहा है, और आगे रास्ता देखिए कैसा राउंड होके घूम के गया है। ऐसा नज़ारा देखने के लिए हर कोई जिंदगी भर इंतजार करने के लिए राजी हो जाएगा शायद, इतना सुंदर रास्ता। और इस रास्ते के बारे में मैं क्या बताऊँ, आप लोग ये वीडियो देखते जाओ और ये रास्ता कैसा लगा और ये ड्यूटी आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं ना तभी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा और भी बेहतर करने का हम लोग कोशिश करते हैं। सिर्फ आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट्स हम लोगों को बहुत बहुत इनकरेज करती है, सो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये देखो दोस्तों अभी कैसा रास्ता दिखाई दे रहा है, तो चलिए ये वीडियो के साथ बने रहिए, आगे जाके देखते हैं और ख़राब रास्ता मिलता है या ऐसे ही रास्ता मिलता है, आप लोग इस वीडियो का मज़ा लीजिए। यहाँ का नज़ारा देखो, यहाँ का नज़ारा का मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ऐसा लग रहा है मानो कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं। और आगे का देखो पूरा पहाड़ बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है और ऊपर से स्नोफॉल भी हो रहा है। तो दोस्तों ये सब जगह पर जब भी आप लोग आओगे तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस दुनिया के किसी भी कोने पे जाओ ऐसा एक्सपीरियंस कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बाइकर्स लोग आते हर कोई हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए रेडी होना चाहिए, रेडी हो भी सकता है और रेडी होना ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी मिल सकता है, स्नोफॉल भी मिल सकता है, रास्ता बंद भी मिल सकता है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये देखो दोस्तों अभी रास्ता देखो कैसा दिख रहा है, और ऊपर से फौजी का गाड़ी भी आ रहा है, तो पहले हम लोग साइड हो जाते हैं उसके बाद आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद देखते हैं और कैसा रास्ता आता है। और क्या बताओ आप लोगों को दोस्तों,
ये जो साइड में बर्फ देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ब्लैक आइस है। ये शायद रास्ता अभी कुछ ही देर पहले साफ किया होगा शायद। तो चलिए आगे जाते हैं और आगे का नज़ारा देखते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट्स हम लोग देखते हैं ना, तब मन को जो शांति मिलता है। ये काम करने के बाद हर कोई एक फल के लिए इंतजार करता है। तो आप लोग जब कमेंट्स करते हो, ये आप लोगों का कमेंट्स हम लोगों के लिए एक फल की तरह होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और ये जो आर्मी का ट्रक है ना, ये सारा दिन ऐसे रास्ते से जाता है, और जब भी जाता है एक साथ 10-15 गाड़ी एक ही साथ में जाता है। ये भी देखिए दोस्तों, अभी कितना सारा गाड़ी आगे से आ रहा है। तो चलिए आगे का नज़ारा भी देखते हैं। और जितना आगे जा रहे हैं, रास्ता भी उतना ही सुंदर और उतना ही मज़ेदार एडवेंचर होता जा रहा है। अभी देखिए मेरे लेफ्ट साइड में दोस्तों, रास्ता कैसे नीचे उतर के गया है। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और आगे का नज़ारा भी देखते रहिए। मैं जितना हो सके उतना आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम? तुमको इतना जल्दी है? लाइन में आओ ना। दोस्तों, यहाँ का जो लोकल गाड़ी है ना, वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उन लोगों को तो ये पूरा रास्ता के बारे में पता है, जिस कारण ये लोग कोई फाई करके जाता है, इधर उधर से घुस जाता है। क्या करता है क्या नहीं करता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ का जो लोकल गाड़ी है ना, उन लोगों से थोड़ा ध्यान लगा के चलाइएगा, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान भटका तो एक्सीडेंट हो भी सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ हमेशा आपने ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताते बताते आया था कि रास्ते में आज बर्फ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लकीली ये देखिए, बहुत सारा बर्फ मिल गया, जो अभी ड्रॉजर से ये रास्ता का काम चल रहा है। ये बर्फ साफ सफाई का काम अभी कितने देर से चल रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन यह देख के इतना पता चल रहा है बहुत देर से यहाँ पर काम चल रहा है। तो देखते हैं कितना देर में ये रास्ता खुलता है। और आप भी देखते रहिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है अभी। और ऐसा नज़ारा मैं आगे भी बोल चुका हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हिमालय एक ही है और वो इंडिया में है, और उसके लिए हम लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये
ये पीछे आ रहा है बुलडोजर, ये क्या कर रहा है, ये बर्फ को यहाँ से हटाएगा, रास्ता क्लियर करेगा, तब हम लोग जाएंगे। तो अभी कितना टाइम लगेगा, आप लोग भी थोड़ा इंतजार कीजिए और मैं भी थोड़ा इंतजार करता हूँ, देखते जाइए क्या होता है। एक साथ देखिए धूप है और दूसरी तरफ देखिए बादल ही बादल है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए इस तरफ धूप और इस तरफ बादल, और रास्ते का टर्निंग देखिए, इसमें भूल से भी कार टर्निंग करने मत चाहिएगा। फ्रेंड्स अभी नज़ारा देखो, टोटली अलग ही नज़ारा दिख रहा है, क्योंकि पहले जब बर्फ था तो पहाड़ का कलर और पूरा वेदर का कलर भी टोटली अलग था। अभी देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ ही देर में हम लोग नुब्रा वैली एंट्री करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग होटल के यहाँ पहुँच गए हैं और अभी हम लोग होटल में जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।